नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आज की जो हमारी कंपनी है वो है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो डाउन साइड में ये लगातार अपने जो इनके सपोर्ट्स लेवल हैं उसको तोड़ते हुए नीचे ही चला जा रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी के साथ किया क्या जा सकता है? अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर में इंटर किया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे वीडियो में। लास्ट तक बने रहे, कोई भी पार्ट मिस न करें। दोस्तों, आज यह कंपनी क्लोज हुआ है 44 रुपए पे, जबकि अगर इसके 50 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे इसका जो लो बना था वो बना था 36 रुपए 70 पैसे का। वहीं अगर इसके हाई की बात करें तो 113 रुपए 70 पैसे। अगर आज के डिलीवरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 40% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि क्वांटिटी की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 34 लाख की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो ऐसे में यह कंपनी ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास खड़ा हुआ है, यानी कि इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 43 रुपए 75 पैसे का, और इस टाइम यह कंपनी आज क्लोज हुआ है 44 रुपए पे। तो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो 48 रुपए तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यह कंपनी और ज्यादा नीचे जाता है तो फिर क्या टारगेट्स हो सकते हैं, अगर उसकी बात करें तो 40 रुपए तक का इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर यह कंपनी 40 रुपए के पास मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के वाले अभी रुके रहें क्योंकि अभी इस कंपनी में कोई स्ट्रांगनेस कैंडल्स या फिर कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें अभी भी और ज्यादा वीकनेस बनती हुई नजर आ सकती है, अगर ये 40 रुपए का लेवल तोड़कर अगर नीचे जाता है तो ये 36 रुपए तक बहुत ही इजीली जा सकता है, जो कि इसका 52 वीक हाई के नीचे है और ये वो इस लेवल को जाकर टच करेगा। अगर इस शेयर में आपने लॉन्ग टर्म के लिए इंटर किया है तो मेरे ख्याल से इस शेयर में को आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज उसे बने रहने दीजिए क्योंकि यह कंपनी आगे चलकर बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इंटर किया तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा कर चलें, क्योंकि जिस हिसाब से यह कंपनी लगातार गिरता जा रहा है और अपने जो इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल को तोड़कर उसके नीचे आ चुका है, इसलिए दोस्तों अपना स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। अगर स्टॉप लॉस को आपको नहीं पता है कि कहां पे लगाना चाहिए तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑलरेडी काफी लॉस में, यानी कि अगर आपने 50 रुपए के ऊपर इस शेयर को बाई किया था शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि 42 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके नीचे बाई किया तो आप थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप 39 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसी के साथ आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।